आज मुझे खुशी हो रही है बहुत बताने में कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर के साथ हमारा एक MOU साइन हुआ है, जहां हम एक दूसरे के साथ टेक्निकल नॉलेज हम एक्सचेंज कर, इसमें हमारा क्योंकि हम फैशन इंडस्ट्री और डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री से हम बिलोंग करते हैं, तो इनके यहाँ पे जो होम साइंस डिपार्टमेंट है या इनका कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या इनकी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ हम ये अपने टेक्निकल नॉलेज बांटेंगे। और आज का जो यहाँ पे सेमिनार हुआ है, इट इज़ बेस्ड ऑन द सेम कि डिज़ाइन योर करियर, डिज़ाइन योर लाइफ, कि आप अपना करियर को एंड गर्ल्स को हम एम्पावर करना चाहते हैं कि इनको अपने ऊपर बिलीफ हो कि ये कुछ कर सकती हैं अपने लाइफ में, और एक करियर कैसे बनाएं जो उनको पसंद है। उनको कुछ टिप्स ट्रिक्स वगैरह बता रहे हैं, तो हमारे जो स्पीकर जो आए हैं बैंगलोर से आए हैं मिस्टर पल्लव बोस, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, करियर कोच है, तो वो आज अंदर हॉल में बच्चों के साथ अभी बात कर रहे हैं एंड देयर ही इज़ रियली इंटरेक्टिंग विद देम। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन। प्रिंसिपल मैम भी अभी बोल करके गई हैं एंड द स्टूडेंट्स आर रियली इंकरेज्ड कि वो कुछ करें, जम्मू में अपना नाम कमाएं, हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर को और क्या रुतबा और बढ़ाएँ और सोसाइटी में एक नाम कमा करके आगे अपनी लाइफ को। हमारे जो कोर्सेज हैं, हम लोग 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर के डिप्लोमा कोर्सेज देते हैं, शॉर्ट कोर्सेज भी स्टार्ट किया है। और मैं एक और चीज़ बताना चाहती थी, अभी हम बहुत जल्दी एक फिनिशिंग स्कूल लॉन्च करने वाले हैं, उसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज को हम लोग टच करेंगे, जैसे स्टूडेंट्स को उनकी पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए, या मे बी यंग गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स को, या वुड बी ब्राइड्स को कैसे अपने इन लॉज के साथ कैसे एडजस्टमेंट करनी है वो उनको सिखाएंगे, यंग मदर्स वो कैसे अपने बच्चों के साथ वो इंटरेक्ट करें और अपना लाइफ को कैसे बैलेंस करें, इंटरव्यूज़ में अगर जाना है तो इंटरव्यूज़ कैसे दें, अपने लाइफ को कैसे संभालें, सो दैट इज़ कॉल्ड अ फिनिशिंग स्कूल। उनको हम ये समझाएंगे थ्रू वेरियस कोर्सेज, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लॉन्च। एक्चुअली फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन के बारे में सिर्फ नहीं बोला हूँ मैं करियर कोच हूँ खुद, और मैं अलग अलग कॉलेजेस में ऑल ओवर इंडिया जाता हूँ और ट्रेनिंग और प्लेसमेंट्स जो हैं स्टूडेंट्स को इक्विप करता हूँ स्किल्स डिग्री के अलावा और सब्जेक्ट नॉलेज के अलावा जो इंडस्ट्री नॉलेज की ज़रूरत है उसकी ट्रेनिंग मैं देता हूँ। तो आज बेसिकली जो गर्ल्स हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वेमेन, इट्स अ रेप्यूटेड कॉलेज, उनको मैं ये अंडरस्टैंड करवाया कि देखिए You have to do something different post pandemic. तो study कीजिए, सबसे पहले तो आप goal set करिए और किस industry में जाना है वो decide करिए। ये decide नहीं हो, और जब decision नहीं होता है आपके पास, आप clear नहीं होते हो, आप influence पे आ जाते हो और confusion होता है। जैसे आप लोग, आप सब मीडिया में, मैं भी मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, हम एक ज़माने में decision लिए थे नहीं जी मीडिया में जाना है, ऐसे decision लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मीडिया के हिसाब से, या जिस फैशन डिज़ाइन हो, इंटीरियर डिज़ाइन हो, फैशन डिज़ाइन आपका गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इंटीरियर डिज़ाइन रियल एस्टेट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, या जिस भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं उस इंडस्ट्री का नॉलेज डेवलप करना ज़रूरी है, आपका व्यक्तित्व डेवलप करना, ग्रूमिंग डेवलप करना ज़रूरी है, नहीं तो लोग आपको नोटिस क्यों करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है जो मीडिया में भी माना जाता है, द स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, वो चाहे राइटिंग हो, वो चाहे बोलने का ही हो, नॉट जस्ट इंग्लिश, नॉट जस्ट हिंदी, इट कुड बी एनी लैंग्वेज, मगर कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप दूसरों को, दूसरे कौन है, आपका क्लाइंट्स, आपका कस्टमर्स, आपका डिसीजन मेकर्स, जैसे मीडिया के आपके श्रोता इम्पॉर्टेंट हैं, आपके जो व्यूअर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, इनके लिए जो भी आप करियर सिलेक्ट करोगे, आप चाहे एंटरप्रेन्योर बने, आप चाहे प्रोफेशनल बने, आपका क्लाइंट्स, कस्टमर्स, डिसीजन मेकर्स इंपॉर्टेंट है, तो उनको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है और कन्विंस करना ज़रूरी है। तो गोल सेट करें, एटलीस्ट ये डिसाइड करें कि किस इंडस्ट्री में जाना है, कैसे डिसीजन लें, बिल्कुल दूसरों का ना सुने, ना ट्रेंड सुने कि भैया देखिए अब मीडिया तो इतना हाई फाई नहीं रहा, फैशन डिज़ाइन नहीं रहा, फार्मा में भागना है, बिल्कुल नहीं, हो सकता है कोई और फार्मा में सक्सेस की हो, आप नहीं करोगे, आपका इनके स्किल फैशन डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन में है, मीडिया में है, आप ज़रूर जाइए और बिलीव करिए आप किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेस पा सकते हैं,
प्रोवाइडेड यू आइडेंटिफाई आपका स्ट्रेंथ क्या है, वो मैच कराइए। नमस्कार, आपके माध्यम से मैं सब लोगों के साथ एक बात शेयर करूंगी कि आज हमने कॉलेज में एक सेमिनार किया है जिसका बुनियाद है हमारा कोलैबोरेशन जो हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग निफ्ट के साथ किया था। ये कोलैबोरेशन है बेसिकली इंडस्ट्री और एकेडमिया को आपस में जोड़ने का। बच्चे कॉलेज में क्या पढ़ते हैं, पढ़ के निकलें तो मार्केट में जॉब रिक्वायरमेंट क्या है, इन दोनों का आपस में मिलाप ज़रूरी है, इन दोनों की ज़रूरतें आपस में पूरी हों, इसके लिए खाली पढ़ाई आज के दौर का ज़रूरत नहीं है। बच्चे यहाँ से पढ़ के निकलें और उसके बाद इंडस्ट्री उनको कैसा चाहती है करवाना, इसके लिए ये सेमिनार था। व्हाट आर द एरियाज़, बेसिक थीम था उसका डिज़ाइन योर करियर। ये तो हम सभी मानेंगे कि जब मैं कॉलेज से पास आउट होती हूँ तो मेरा भी मन है कि मैं ज़िंदगी में अपने लिए एक मुकाम बनाऊँ, एक पहचान बनाऊँ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। तो इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए व्हाट आर द स्किल्स आई कैन डेवलप, और वो स्किल डेवलपमेंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट भी है। कॉलेज हम यहाँ पे हम खाली पढ़ाई की बात नहीं करते हैं, मार्केट के साथ मिलकर चलते हैं। इसी कोलैबोरेशन के अंडर निफ्ट डिफरेंट कोर्सेज कराता है। ये कोर्सेज बच्चों तक कैसे पता चले, उनको कैसे पता हो कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ और क्या कर सकती हूँ जिससे मेरा स्किल डेवलपमेंट हो और मेरी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, तो ये कोर्सेज इन एडिशन टू देयर नॉर्मल डिग्री स्टूडेंट्स कैसे करें, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या कोर्सेज हैं और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या हैं, दिस इज़ व्हाट वी डिड टुडे अंडर दिस इंडस्ट्री एकेडेमिया रिलेशनशिप। थैंक यू।